नौकरी छोड़ दूं? अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरे मरीजों को कौन देखेगा? हैं, माशाल्लाह से आपके बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, वो देखेंगे ना। भाजी मैं तो कहती हूँ हादी बाबा की शादी कर दें, घर में रौनक भी हो जाएगी और अस्पताल मरीज सब बहू बेटे के सर पर डालें। बातें करवा ले तुमसे कोई है। अच्छा देखो, पंखे वंखे भी साफ कर लेना। आंटी जी, हादी मुझे देख नहीं रहा, कहाँ है? कभी तो घर ही नहीं आया, तुमसे किसने कहा घर पे? हाँ, उसने मुझे फोन करके बोला कि वो घर पे है। कोई काम पड़ गया होगा, कहीं चला गया होगा, लेकिन कॉल है मैंने आज कर। ठीक है आंटी। वैसे मैं तो कहती हूँ बाजी, आईमा बीबी हादी बाबा के साथ बहुत सजेंगी, बस अल्लाह का नाम लें और करें शादी। तुम्हें हादी की शादी की क्या पड़ गई है? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, शादी दूर की बात है। अच्छा चलो, आज खाना वाना देख लेना सब। तुम्हें पता है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे पास टाइम भी नहीं होगा, मैं आराम भी कर लूँ। सब अरेंजमेंट्स हुए हुए, हाँ कोई शिकायत ना आए। क्या है अम्मा, क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो? कहा है ना मैं घर पे हूँ, तुमने क्लास लेनी है तो ले लो। हादी तुम किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? ओ कम ऑन यार, और किस तरह बात करूँ तुमसे? कहा ना कि घर पे हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो ना तुम। भरा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा हादी? क्योंकि मैं अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। ऐसी जब भी मैं कहूं कि बार बार पूछ क्यों रही हो? एनीवे मेरा मूड ठीक नहीं है, बाहर हूं। बोलो कोई काम है तुम्हें? मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ जैनब, मैं बात कराती हूँ तुम्हारी आयमा से। एक मिनट रुको आयमा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? सब ठीक है मामा। हुआ क्या? अच्छा बताओ, वो मियाँ कैसे हैं तुम्हारे?